देखो लाइफ एक स्कूल है, प्लीज आप लोग म्यूट कर लो, प्लीज म्यूट कर लो। ओके राहुल, तुम्हारी तरफ से साउंड है क्या? बस में हो? ओके तो लाइफ एक स्कूल है और ये नहीं हो सकता कि हम इस स्कूल में आए हैं, हमारे सामने हमारा सिलेबस भी है, और ये नहीं हो सकता कि कहीं कहीं हमें सिलेबस कठिन ना लगे। ये तो नेचुरल सी बात है ना? और कैसा भी सिलेबस हो, हम उस सिलेबस पर मास्टरी जरूर प्राप्त कर सकते हैं। अब ये सिलेबस कठिन क्यों है और इसे हम इजी कैसे बना सकते हैं? सवाल तो ये है ना कि हमारे सामने जो सिलेबस आया है वो सिलेबस इतना कठिन क्यों है? हम यहाँ कुछ सीखने आए हैं, वो ठीक है, हम आए हैं, हम लाइफ को अनुभव करते हैं, वो सारी चीजें ठीक है, पर बेसिकली हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखना होता है, और हम सीखने को राजी नहीं होते। हम सीखने को इसलिए राजी नहीं होते क्योंकि हमें लगता है कि हम सही हैं, हम सही हैं। हम जो भी सीख रहे हैं, सीखने आए हैं, उसमें हमेशा दो पार्टीज हैं, आप हो, आपके सामने वाली पार्टी है, और आप दोनों के बीच एक स्थिति है जो उलझती जा रही है ना? और जब मैं आप कहूं तो जरूरी नहीं है कि आप, कोई भी दो लोग इस दुनिया में, हो सकता है आपके साथ सब कुछ बहुत बढ़िया है, पर लाइफ में आप ऐसी चीजें देखते हो, परिवार में देखते हो, भाइयों का झगड़ा देखते हो, पारिवारिक झगड़े देखते हो, है ना, आप अपने फ्रेंड्स के बीच देखते हो, कहीं ना कहीं तो आप किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम देखते ही हो। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आती कहां से हैं? ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमारी, हमारे अंदर से आती है, कोई भी चीज बाहर से नहीं आती। भले बाहर दिखती है पर प्रॉब्लम बाहर से नहीं आती, प्रॉब्लम हमारे माइंड से आती है। हमारा माइंड फेंकता है स्थितियों को हमारे सामने, जिसे हम प्रॉब्लम के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? हम अपने माइंड को क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? अगर हमारा माइंड ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है तो हम अपने माइंड को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? हम माइंड को कंट्रोल बिल्कुल कर सकते हैं, हम माइंड को कंट्रोल बिल्कुल कर सकते हैं, पर हमें पहले हमारे माइंड को समझना पड़ेगा। अब तुम एक बात समझो, मैं कुछ समझाने जा रही हूं, आप लोग ये समझो, ठीक है? एक छोटे से जमीन के टुकड़ी की कल्पना करो, कल्पना करो जमीन की एक छोटी सी टुकड़ी। हम उस जमीन को एक बगीचा बना सकते हैं, चाहे तो हम उसे एक बगीचा बना सकते हैं। अब हमने तो जमीन यूं ही छोड़ रखी है, हमारे पड़ोसी कहते हैं लो ये पौधा ले लो और ये आप अपने जमीन पर लगा लो। अब हम क्या करते हैं, उस पौधे को अपनी जमीन पर लगा लेते हैं और रोज हम पानी भी डालते हैं, सींचते भी हैं, सब कुछ है। तो हमारे जमीन के एक कोने में पौधा लग गया। अब आप खुद सोच कर देखो कि बाकी जमीन का क्या होगा। आपने बाकी जमीन पर कोई भी पौधा नहीं लगाया है तो क्या उस जमीन पर कुछ नहीं उगेगा?
अगर आप चलाकर पौधा नहीं लगाओगे तो उस बाकी जमीन पर जंगली घास फूस उगकर आ जाएगा, और अगर आपने समय समय पर उस जंगली घास फूस को उखाड़ उखाड़ कर नहीं फेंका तो एक दिन वो जंगली घास फूस बहुत बड़ा हो जाएगा। ये भी होगा, ऐसा होता है ना। तो चलो आप क्या करते हो, जो जंगली घास फूस उगकर आ गया आप उसे उखाड़ कर फेंक देते हो, फिर क्या होगा, आपने तो उखाड़ कर फेंक दिया तो क्या वो जमीन खाली रहेगी? नहीं रहेगी, दोबारा जंगली घास फूस उगकर उसमें आ जाएगा। आप खाली करते रहोगे, उखाड़ उखाड़ कर फेंकते रहोगे और वो बार बार उग कर आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि आप चलाकर उस जमीन में कुछ भी नहीं उगा रहे हो, आप उस जमीन पर चलाकर कुछ भी नहीं उगा रहे हो और इसलिए अपने आप ही कुछ ना कुछ उसमें उग कर आ जाएगा। इससे आपको क्या समझ में आई? इससे आपको समझ में आई कि अगर आपके पास जमीन का टुकड़ा है, सॉल्यूशन यही है, एक ही सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन ये है कि आपको वह जगह खाली छोड़नी ही नहीं है, चलाकर वहां कुछ न कुछ आपको उगाना है और उसकी देखभाल भी करनी है। आप जमीन को खाली छोड़ दोगे तो उस पर कुछ न कुछ जंगली घास फूस अपने आप उगकर आ जाएगा, और सॉल्यूशन यही है कि आप जंगली घास फूस को उगने नहीं देना चाहते तो आप उसे खाली भी नहीं छोड़ सकते, आपको चलाकर वहां पर कुछ न कुछ उगाना पड़ेगा। तो आप जब वहां पर चलाकर कुछ उगाएंगे तो अनचाही चीजें धीरे धीरे कम हो जाएंगी, धीरे धीरे कम होगी, फिर भी छोटी छोटी आसपास उगकर आएंगे, आप उखाड़ उखाड़ कर फेंक दोगे, है ना। तो आपने इतनी सारी वहां इतनी चीजें लगा ली, इतने सारे पौधे लगा लिए, अच्छे अच्छे पौधे लगा लिए, अब वो जंगली घास फूस कम आ पाएंगे, और आपने जब जमीन पूरी खाली छोड़ रखी थी तो वो तो जंगल बन गया था, ऐसा ही होता है ना। तो वो जमीन का टुकड़ा आपका माइंड है, वो जमीन का टुकड़ा आपका माइंड है, और वो माइंड आपकी लाइफ को चला रहा है और आपकी लाइफ में बहुत सारी अनचाही सिचुएशंस को ला रहा है और आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि कहां से आ रही है। देखिए आपका माइंड नहीं हो, आपका माइंड नहीं हो, माइंड एक जमीन का टुकड़ा है और इसके दो माली हैं। आपका जो माइंड है उसके दो माली हैं, आप अकेले उसके माली नहीं हो, जमीन का टुकड़ा है उसके दो माली हैं, एक तो आप खुद हो, आप चलाकर उस माइंड में अच्छी अच्छी चीजें डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो, आप कॉन्शियस माइंड से पूरे होश और हवास में वहां कुछ अच्छा डाल सकते हो। क्या डाल सकते हैं, कैसे डाल सकते हैं, हम देखेंगे, पहले ये मोटा मोटा समझें। और अगर आपने नहीं डाला, जैसे आपकी जमीन वो खाली थी, एक कोने में आपने एक पौधा लगा लिया जो पड़ोसी ने दिया, बाकी जमीन तो खाली रही तो जंगली घास फूस उगाया, उसी तरह से माइंड नाम के इस जमीन के टुकड़े में अगर आपने चलाकर कुछ नहीं डाला तो दूसरा माली एक्टिव हो जाएगा। आप एक माली हो,
दूसरा माली जो है उसको हम अनकॉन्शियस कहते हैं, अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, वो दूसरा माली है। हर घड़ी हर समय या तो आप माली के रूप में कुछ पॉजिटिव डाल रहे हो और नहीं तो वो दूसरा माली एक्टिव है और उसके अंदर जितना कूड़ा करकट कचरा है जन्म जन्मांतरों का, क्योंकि आप एक व्यक्ति अकेले व्यक्ति नहीं हो, आपके अंदर आपके माँ बाप बसते हैं, माँ के मम्मी पापा, पापा के मम्मी पापा, फिर उनके माँ के मम्मी के मम्मी पापा, माँ के पापा के मम्मी पापा, पापा के मम्मी के मम्मी पापा, पापा के पापा के मम्मी पापा, वो तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। सबके नेगेटिव थॉट्स, सबके नेगेटिव थॉट्स, आपके पूरे कुनबे, पूरे खानदान, सबके जितने भी आपकी फैमिली ट्री जहां तक जाती है, सबके नेगेटिव थॉट्स, सबके नेगेटिव अनुभव, सबके जीवन की परेशानियां, सारा कुछ उस अनकॉन्शियस नाम के हिस्से में है जो कि दूसरा माली है। माइंड तो जमीन का टुकड़ा है। एक माली आप हो, दूसरा माली अनकॉन्शियस है। और होता क्या है, आप कुछ भी नहीं कर रहे, वहां कुछ उगा ही नहीं रहे। जब आप उगा ही नहीं रहे तो वो दूसरा माली एक्टिव हो जाता है और वो दूसरा माली अपने कूड़े करकट को इस जमीन पर डालता रहता है, ठीक वैसे जैसे उस खाली जमीन पे जंगली घास फूस उग कर आए थे। इज दिस क्लियर टू यू? तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं? हम अगर कॉन्शियसली चलाकर अगर हम कुछ अच्छी चीजें अपने माइंड को नहीं देंगे, देखो आप रोज अगर ठेले पे जाके चाट गोलगप्पे खाओ तो आप स्वस्थ रहोगे क्या? आप केयर लेते हो ना, आप दही भी लेते हो, आप सलाद भी लेते हो, आप हरी सब्जियां भी लेते हो, आप दाल भी लेते हो, आप फलाना भी लेते हो, आप दिमाका भी लेते हो, आपको जो जो समझ है कि एक स्वस्थ शरीर के लिए क्या क्या चाहिए वो सब आप खाने की कोशिश करते हो। आपके मम्मी पापा वो सब आपको देने की कोशिश करते हैं, या मम्मी पापा नहीं तो पार्टनर्स, कोई भी कोशिश तो हम करते हैं ना कि हम अपने शरीर को ढंग की चीजें फीड करें। ठीक वैसे आपको अपने माइंड को भी फीड करना होता है। रोज रोज मैगी और गोलगप्पे और चाट पकौड़ी से जैसे काम नहीं चलता, वो तो वो जंगली घास फूस है। उसी तरीके से अगर आप अपने माइंड को कुछ प्रॉपर चीजें सिखाओगे नहीं, चलाकर नहीं सिखाओगे, तो फिर वो सारी अनचाही चीजें, आपका वो अनकॉन्शियस या अवचेतन मन जो है वो फेंकता रहेगा और आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक एक बात समझो, मोहल्ले में दो मकानों के बीच एक खाली प्लॉट है। मोहल्ले में दो मकानों के बीच एक खाली प्लॉट है। उस खाली प्लॉट का क्या होता है आप सबको पता है क्या होता है? पूरा मोहल्ला आकर अपना कचरा वहां डालता है, पूरा मोहल्ला आकर उस खाली प्लॉट में अपना कचरा डालकर जाता है। जैसे ही उस खाली प्लॉट की सफाई फाई हो जाती है, फिर उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है। अभी तो मकान ही नहीं बना, अभी तो खुदाई विदाई होके फाउंडेशन डल रहा है, ईंट वीट जमने लग गए, फिर लोग कचरा डालने आते हैं क्या? नहीं आते, क्योंकि वहां काम चालू हो गया। उसी तरीके से आपको अपने माइंड को एवरी डे चाहे 15 मिनट ही सही, आपको कोई ना कोई प्रोसेस अपनाना चाहिए जिसको, ये वही है कि हम पौधा लगा रहे हैं, अब हम पौधा लगाने का काम कर रहे हैं। तो हम अगर एवरी डे 15 मिनट भी कोई प्रोसेस अपना सके और हम
प्रोसेस क्या होता है क्या नहीं होता वो सब बाद में देखेंगे, पहले तो हम बेसिक चीज समझें। तो क्या होगा, अब अनकॉन्शियस, देखो पौधा भी लगाते हो, आप बगीचे में पौधा लगाते हो तो थोड़े बहुत जंगली घास फूस आसपास आते हैं, पर अब क्या होता है, जंगली घास फूस पौधे के आसपास आते हैं पर इतने ढेर ढेर नहीं आते जैसे आते थे जब जमीन खाली थी। क्यों? क्योंकि आपने पौधा लगाया है और अब आप उस पौधे की निगरानी करते हैं, आप रोज पानी भी डालने जाते हैं और आपकी नजर पड़ती है कि इसके आसपास जंगली घास फूस है और आप तुरंत उसे उखाड़ कर फेंक देते हो। उसी तरीके से आपको 15 मिनट्स का, देखो प्रोसेसेस कई सारे होते हैं, एक नेगेटिव माइंड को पॉजिटिव की तरफ ले जाने के लिए एक दिन का काम नहीं है, ये एक दिन का काम नहीं है। अब हम जैसे रात को रोज आधा घंटा टैपिंग करते हैं वो एक प्रोसेस है, और अगर हम इसको लंबा चलाएंगे तो वो एक प्रोसेस बन जाएगा। ऐसे कई छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं, तो और बहुत मुश्किल काम नहीं है, अगर हम करने लग जाएंगे और कुछ समय तक इनको बिना बीच में रोके, चाहे कितना ही जरूरी काम हो हम ना रोकें, हम उस प्रोसेस को अपनाएं, तो अब वो दूसरा माली अलर्ट हो जाएगा। जैसे ही किसी मकान में खाली प्लॉट पड़ा था, दो मकानों के बीच खाली प्लॉट था, अब क्या होता है, अब वो खाली प्लॉट का मालिक रोज एक चक्कर लगाकर जाता है यहाँ खाली प्लॉट पर। अब मोहल्ले वाले पहले तो क्या करेंगे, जब वो मकान मालिक प्लॉट का मालिक या नहीं होगा, इधर उधर गया होगा, तब कचरा फेंक देंगे। पर एक ना एक दिन उनको भी समझ में आ जाएगा कि ये जो प्लॉट का मालिक है तो रोज आ जाता है, कभी भी आ जाता है, हम पकड़े जाएंगे। और इसलिए वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि अब तो काम चालू हो गया, अब कचरा फेंकेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और इसलिए अब वो कचरा फेंकना बंद कर देते हैं। आपको भी उसी तरीके से, आप उस खाली प्लॉट के मालिक हो, आपका माइंड है और आप उस माइंड के एक मालिक हो, माली हो, आपको वहां पे काम शुरू करना है, नहीं तो वो जो मोहल्ले वाले हैं यानी वो अनकॉन्शियस पार्ट, वो एक्टिव हो जाएंगे और वो कचरा फेंक के चले जाएंगे और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। पर आप रोज 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 प्रोसेस करते हो, प्रोसेस करते हो, कुछ ना कुछ करते हो, तो आप क्या होगा, धीरे धीरे धीरे, एकदम से तो कुछ भी नहीं होगा, पर जनरली 90 डेज में हमें कुछ ना कुछ एक डिफरेंस नजर आता है, और अब आपके थॉट्स की क्वालिटी बदल जाती है, अब आप इतने नेगेटिव नहीं रह पाते, इतनी नेगेटिविटी हमारे अंदर नहीं रह पाती, और हम काफी चीजों को अब समझने की स्थिति में आ जाते हैं। देखो प्रॉब्लम एकदम से नेगेटिव माइंड से पॉजिटिव माइंड 90 डेज में नहीं होता, पर वो एक बहुत बढ़िया शुरुआत है, फिर बीच में इसको और बढ़ाया जा सकता है, और ऐसे करते 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 हम अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को उठाकर फेंक सकते हैं, जिसके बाद लाइफ की क्वालिटी हमारी काफी अच्छी हो जाती है। ये स्टेप वन है। तो इसलिए आप को एक्चुअली अपने वो अनकॉन्शियस नाम के, वो मोहल्ले वाले हैं ना जो आके कचरा फेंक के जाते हैं, आपको उनका हमेशा ध्यान रखना होगा कि अगर हमने निगरानी नहीं रखी, अगर हम रोज रोज एक चक्कर नहीं काटे, अगर हम कंस्ट्रक्शन का काम समय पर नहीं शुरू करें, तो फिर मोहल्ले वाले कचरा डालेंगे इसे, है ना। तो एक प्रोसेस तो ये टैपिंग है जो हम करते हैं रोज रात को 9:30 बजे 10:30 बजे, एवरीडे हम 10:30 लाइव इंस्टाग्राम पर जो टैपिंग करते हैं, वो इसी नेगेटिविटी को सिस्टमैटिकली खत्म करने के लिए, बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है, ये वैसा वाला काम है। कई सारे प्रोसेसेस हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रेयर एक प्रोसेस है, तो आप देखो अपन प्रेयर कैसे करते हैं, मेडिटेशन वगैरह तो अपन से नहीं हो,
क्योंकि हमारा मन इतना चंचल है, हम क्या मेडिटेशन करने बैठे, इसलिए मेडिटेशन को तो छोड़ दो। सिंपल चीज प्रेयर, तो अपने को लगेगा अरे करते तो हैं, पर हम प्रेयर के नाम पे क्या करते हैं, दीपक लगा देते हैं, अगरबत्ती दो बार घुमा देते हैं, कुछ हमने जो श्लोक या मंत्र या कुछ सीख रखा है उसको तोते की तरह बोल जाते हैं और हम चलते बनते हैं। तो ये प्रेयर नहीं है, इसको हम प्रेयर नहीं कहते। हम जब प्रेयर करते हैं ना, तो हम या तो ये तोते की तरह कुछ भी बोल बाल के और अगरबत्ती घुमा के फॉर्मेलिटी करते हैं, या तो हम यही करते हैं, या दूसरा हम क्या करते हैं, डर डर कर, हम बहुत डरे हुए रहते हैं, काफी निराश होकर, हमको लगता है पता नहीं हमारी प्रार्थना सुनी भी जाएगी या नहीं। जब हम बहुत मुश्किल में होते हैं, हम पूरा पूरी फीलिंग के साथ प्रे करते हैं, पर वो फीलिंग डर की फीलिंग होती है और उस प्रेयर का जवाब कभी नहीं आता। जब आप डर कर प्रेयर करते हो या आप बिल्कुल हिम्मत हार कर प्रेयर करते हो, उस प्रेयर का जवाब आपको नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि आप बिल्कुल भूल चुके हो कि आप कौन हो। आप उस ईश्वर की औलाद हो जो कि जो मर्जी मांग सकता है और जो मांगेगा उसको मिलेगा, पर वो मांगता मुंह से नहीं है। हम मुंह से क्या मांगते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कौन सी फीलिंग से मांगते हैं वो फीलिंग इंपॉर्टेंट है। और हम हमेशा दो में से, दो ही फीलिंग्स हैं लाइफ में, दो ही फीलिंग्स हैं, एक है विश्वास और दूसरा है डर। आप विश्वास के साथ जो मांगते हो, कौन से विश्वास के साथ, हाँ नहीं मुझे भगवान में विश्वास है, विश्वास है तो सही, विश्वास के साथ ही तो मांग रहा हूं, नहीं नहीं ये विश्वास नहीं, आप उस विश्वास के साथ मांगते हो कि आपका वो जो पिता है, आपको पता है, आज सपोज एक बहुत अमीर पिता का बेटा हो और उस बेटे को अपने फादर से साइकिल मांगनी हो, तो वो डरेगा क्या मांगने में, या वो सोचेगा पता नहीं मेरे फादर देंगे नहीं देंगे, देना चाहेंगे नहीं देना चाहेंगे, उसको पता है अरे मेरे फादर तो पूरे शहर को खरीद दें, मैं एक बार मांगू तो सही, पूरे शहर को खरीद के दे देंगे मुझे, साइकिल क्या चीज है। ये फेथ है, ये विश्वास है। आपको अपने ईश्वर पर इतना विश्वास होना चाहिए कि आपने मांगा और वो मांग आपकी कभी भी नामंजूर नहीं होगी। हम मांगते हैं पर हमारे मन में शंका रहती है, पता नहीं होगा या नहीं, पता नहीं मेरा काम बनेगा या नहीं, पता नहीं मुझे मिलेगा या नहीं। आप एक्चुअली अपने आप को हकदार मानते ही नहीं हो, और इसलिए मांगी हुई चीज जो है, जो भी वो चीज है जो आप मांग रहे हो, वो चीज बहुत आसानी से आपको फिर मिलती भी नहीं है। ये फर्स्ट रीजन है। सेकंड रीजन हमारी क्या है, दूसरी, एक तो ये है हम डर के मारे पूरे विश्वास के साथ हम मांग ही नहीं पाते। जब हम पूरे विश्वास के साथ नहीं मांगते तो हम दूसरी भावना से मांग रहे हैं, और वो दूसरी भावना है डर। हम डर से मांग रहे होते हैं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं, हम इसी में रहते हैं। और जब हम इस भावना से मांगते हैं तो हमारी प्रेयर जो है वो बिल्कुल उसका जवाब हमें नहीं मिल पाता, और इसलिए वो खाली चला जाता है। इज दिस क्लियर टू यू? अब हम अपने माइंड को ट्रेन कैसे कर सकते हैं? देखो, दुनिया में दो ही तरह की मानसिकता है, दो ही तरह की मानसिकता है। पहली मानसिकता को हम एक्स टाइप माइंडसेट कहेंगे और हम दूसरी मानसिकता को वाई टाइप
माइंडसेट कहेंगे। एक्स टाइप जो माइंडसेट होता है वो ये मानकर चलता है, हमेशा यही मानकर चलता है कि बाहर कोई कुछ कर रहा है और वो बाहर व्यक्ति जो कर रहा है ना उसकी वजह से मैं परेशान हूं, वो बाहर वाला व्यक्ति ये करना बंद कर दे तो मैं तो खुश हो जाऊं। तो ये एक्स टाइप माइंडसेट है। ये डिसएम्पावर्ड माइंडसेट है। डिसएम्पावर्ड का मतलब डिफीट वाला माइंडसेट, हारा हुआ माइंडसेट है। ये ब्लेम में विश्वास करता है, वो कर रहा है, वो कर रही है, मेरे सामने ऐसी परिस्थिति है, ऐसा है, वैसा है, वो चीजें जिम्मेदार है, नहीं तो मेरा तो सब कुछ ठीक ही रहता। ये एक्स टाइप माइंडसेट है। वाई टाइप माइंडसेट दूसरा तरह का माइंड, दूसरे तरह का माइंडसेट है। वाई टाइप माइंडसेट रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली माइंडसेट, जिम्मेदारी लेती है। वाई टाइप माइंडसेट एम्पावर्ड है, मतलब ये शक्तिशाली माइंडसेट है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी पा सकती है, सब कुछ अच्छा पा सकती है। ये वो माइंडसेट हो जो जानती है कि मैं ईश्वर की औलाद हूं, ये वाई टाइप माइंडसेट है। वाई टाइप माइंडसेट वाले लोगों के सामने भी परेशानियां तो आती हैं, नेगेटिव माइंड तो होता है। एक्स टाइप माइंडसेट के लोगों के सामने भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वाई टाइप माइंडसेट के लोगों के सामने भी प्रॉब्लम आती हैं। दोनों में फर्क ये होता है, एक्स टाइप माइंडसेट के लोग कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स का सल्टारा नहीं कर पाते, उनके लिए प्रॉब्लम्स हमेशा प्रॉब्लम्स ही रहती है। पर जो वाई टाइप माइंडसेट होता है, जो जिम्मेदारी लेता है, और वो इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि जरूर मेरे अंदर कुछ तो गलत सलत विचार पल गए, कुछ गलत सलत पल गए जिसका मुझे पता नहीं है, और क्योंकि वो विचार पले हुए हैं और मैं उन्हें उखाड़ कर फेंक नहीं पा रहा, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि आपके अंदर क्या गलत विचार पल गया। आपको तो जो सही चीजें हैं उसको अंदर प्लांट कैसे करते हैं ये सीखना पड़ता है। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हम इस चीज को सीखेंगे। पहले हम बगीचे को देखो, एक ऐसी जमीन की टुकड़ी जिसमें जंगली घास फूस उगकर आ गई, उसमें हम सबसे पहला क्या काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम तो हम यही करते हैं ना कि जंगली घास फूस को उखाड़ते हैं, उसके बाद हम नई चीज लगाएंगे। हम जो टैपिंग कर रहे हैं, हम जंगली घास फूस को उखाड़ रहे हैं। जंगली घास फूस को हम उखाड़ेंगे, जंगली घास फूस को हम उखाड़ेंगे तो अब क्या होगा? अब उसमें आप सही चीजें डाल सकते हो। तो वो जो टैपिंग है वो इसीलिए यूजफुल है कि वो जंगली घास फूस को उखाड़ कर फेंकने में मदद करती है। एक्स टाइप माइंडसेट बाहर की तरफ देखेगी और दूसरों को जिम्मेदार ठहराएगी। वाई टाइप माइंडसेट अपने अंदर झांकेगी और कुछ ना कुछ प्रोसेस ऐसा अपनाएगी, और ये टैपिंग प्रोसेस ही है और ये सबसे बेसिक और सिंपल प्रोसेस है जिसमें किसी को कुछ करना नहीं होता, केवल वो पॉइंट स्टेप करने होते हैं। तो कुछ ना कुछ प्रोसेस, स्टेप वन जमीन को साफ करने का काम तो करेगी, और जब वो ऐसा काम करना स्टार्ट कर देती है तो उसने एक तरीके से अपने माइंड को संकेत दे दिया है, अनकॉन्शियस माइंड अलर्ट हो गया कि अब हम इसमें रोज रोज आकर कचरा नहीं फेंक सकते, क्योंकि ये जो मालिक है ना अब ये चक्कर लगाने लग गया, और ये चक्कर लगाने लग गया तो हमें अब डांटेगा अगर हम कचरा डालेंगे। तो आपको उस जगह आना है जहां आपको समझ में आए कि आपकी लाइफ की जो भी डिफीट है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, जो भी सिचुएशन है, चाहे केवल आपकी नेगेटिव थिंकिंग ही आपकी परेशानी है। तो नेगेटिव थिंकिंग इसलिए परेशानी है क्योंकि आपका माइंड नाम का जो बगीचा है उसकी तरफ आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, उसमें आपने पौधे लगाने की कोशिश नहीं करी, तो जंगली घास फूस उग कर आ गए तो उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है।
आपको समझना पड़ेगा कि आप कैसे जिम्मेदार हो गए इस चीज के लिए, और फिर आपको समझना पड़ेगा कि इसमें हम कॉन्शियसली थॉट्स कैसे डाल सकते हैं। देखो, मेरा एक वीडियो है, चैनल पर है, और आप लोग अगर मेरे को मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज करोगे तो वो वीडियो मैं जरूर डालूंगी, है ना, आपके पर्सनल नंबर्स पे भेज दूंगी। उसमें मैंने एक दूसरा प्रोसेस बताया है। अगर आपके मन में कोई इच्छा है, जैसे आप परीक्षा दे रहे हो और आप परीक्षा में सफलता चाह रहे हो, या आप जॉब ढूंढ रहे हो, आपको वो जॉब चाहिए, या आप शादी करना चाह रहे हो, आपको परफेक्ट एक पार्टनर चाहिए, या शादी हो गई, अब बच्चा चाहिए तो आपको वो बच्चा चाहिए, ये सारी सिचुएशंस आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में, तो आप क्या कर सकते हो? ये एक विजुअलाइजेशन प्रोसेस है जो आपको सोने से पहले एवरी नाइट 10-15 मिनट के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगेन, आप 90 डेज इसको कर सकते हो, और अगर आप इसको रेगुलरली 90 डेज, जैसे मैंने समझाया है उस वीडियो में, वैसे करोगे तो आप जो चीज मांगोगे, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो सिलेक्शन हो, चाहे वो शादी हो, चाहे आपकी हैप्पी मैरिज हो, मैरिज डिस्टर्ब हो रही है, हैप्पी मैरिज हो, कुछ भी हो, आप उस चीज को बिल्कुल ठीक कर सकते हो। आप मेरे पर्सनल नंबर पर वो वीडियो मांगो, मैं आपको दूंगी, और उस वीडियो को देखो, समझो कि मैंने क्या समझाने की उसमें कोशिश की है। आप पहले अपने माइंड को समझो कि क्या है आपका माइंड, कैसे काम करता है, और फिर मैंने वीडियो में क्या कहा है, है ना, मैंने सबकॉन्शियस माइंड में हम कैसे अपनी इच्छा को डाल सकते हैं, और कैसे आपका माइंड उस इच्छा को एक बार पकड़ ले तो उस इच्छा को लाए बगैर नहीं रहेगा। देखो, ये चीज मैंने अपनी लाइफ में कई बार आजमा कर देख लिया, और मुझे पता है कि ये कैसे काम करता है। आपकी कितनी ही बड़ी इच्छा हो, आपको लग रहा है कभी ये ठीक ही नहीं होगी, तो भी ठीक होगी। आप बिल्कुल विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ कि ये प्रोसेस काम करता है, आप उस चीज को कर सकते हो। टैपिंग तो करो, मैं आपको टैपिंग की सलाह इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये एक फर्स्ट एड की तरह काम है, और जब आप ये टैप करते हो तो जगह जगह जो ब्लॉक्ड एनर्जीज हैं ये सारी चली जाती हैं। और फिर वो सबकॉन्शियस माइंड वाला जो एक्सरसाइज है, उस वीडियो को आप देखो, और उस वीडियो में जैसे मैंने समझाया है उस चीज को आप प्रैक्टिस करो। मैंने समझाया है 7 दिन आपको क्या करना है, फिर 7 दिन बाद किस तरह की कल्पना करनी है, मैंने किसी काल्पनिक स्थिति में किया है, आप अपनी पर्टिकुलर स्थिति को कैसे आप बना सकते हो। और आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे नंबर पर अगर पूछोगे तो मैं मना नहीं करूंगी, आपको फोन पे मैं समझा पाऊंगी कि आप इसको इस तरीके से करो। इज इट क्लियर? तो आई विल स्टॉप हियर टू नाइट, क्योंकि मुझे 10:30 बजे लाइव आना है इंस्टाग्राम पर। And many blessings, many good wishes to all of you. If you ask me, I'll send you the video. And if possible, please come live at 10:30 to do the tapping. Ye first process, ye just basic step mano, isko karoge 90 days to apne aap, you will start feeling light. And whatever it is, humne negativity ke liye bhi tapping kiya tha ek baar. हम उन चीजों को रिपीट करते रहेंगे, कभी पॉजिटिविटी, कभी नेगेटिविटी, कभी एंगर, कभी गिल्ट, कभी फेलियर, कभी डिफीट, कुछ ना कुछ एवरी डे हम करते रहेंगे तो ये नेगेटिव एनर्जीज छोड़ के चली जाएंगी। ओके, आई विश यू ऑल अ वेरी गुड नाइट, एंड इफ पॉसिबल 10:30 आप लोग आइए, है ना। आई एम एंडिंग द सेशन हियर, I'm ending the session. आप लोग 10:30 बजे आओ and हम मिलेंगे टैपिंग पे। आपको फर्क दिखेगा, 90 डेज आप करके देखो, आपको डेफिनेटली फर्क नजर आएगा, there is no doubt about it. चलो, गुड नाइट, मैं सेशन एंड कर रही हूँ।